और मंच से ही मेरे को धमका रहे थे, धमकाने की भाषा में, इस बार मेरे को टिकट दोगे कि नहीं दोगे। तो मैंने कहा टिकट देने वाला मैं कौन होता हूँ, टिकट तो पार्टी तय करती है कि आप ये सीमा वीमा तोड़ देना 75 साल वाले। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी वो मिले होंगे, उनको लग रहा होगा कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी, तो वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा उसी प्रोग्राम में वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, तारीफ करते तारीफ नहीं कर रहे हैं, तारीफ करते थकते ही नहीं, इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो जब वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो मेरी आलोचना करेंगे, स्वाभाविक है, तो राजनीतिक मुद्दा हो गया ना फिर। तो जब वो कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस ही उनको टिकट मिल रही है, तो मेरी आलोचना करेंगे, स्वाभाविक है। बीकाने के एक मंत्री ने भी जो है आपके खिलाफ आरोप लगाया। अब उनको भी पता नहीं क्या सूझी है। देखिए, उन्होंने एक बाबा साहब का नाम लिया उसमें आलोचना। मैं बचपन से ही बाबा साहब को जीता, उनका आचरण अगर कभी प्रेस करूंगा ना तो बचपन से खोलूंगा उनके, एक एक तार है मेरे पास उनके। लेकिन हम नहीं, इतना गिरना नहीं चाहते राजनीति में, हम हमारी एक राजनीति का स्तर रखना चाहते हैं। एक बाबा साहब के पास आदमी गया, उसने कहा तुम कथनी और करनी में फर्क होता है, सबसे बेईमान आदमी वो। ये बाबा साहब ने खुद ने कहा है, कोट किया। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने तो मेरे बारे में यहां तक कह दिया कि एक लास्ट की बुक है ये मैनिफेस्टो फॉर चेंज। मैं तो पार्टी को भी धन्यवाद करता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक मैनिफेस्टो फॉर चेंज करके लिख के उसमें जनप्रतिनिधि कैसे होना चाहिए पंच से पार्लियामेंट तक, उसमें मेरा जिक्र। अच्छे जो सरपंच है उनका भी जिक्र, अच्छे जो जिला प्रमुख है उनका भी जिक्र, अच्छे जो मंत्री है उनका भी जिक्र है उस किताब में, और अच्छे जो एमपी है उसमें भी जिक्र है। 5-7 एमपीओ का ही तो जिक्र है उसमें, उसमें मेरा जिक्र कर रहे हैं। मेरे को रिश्तेदार है क्या एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन वो मेरा जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं मैनिफेस्टो फॉर चेंज, ये देश विकसित भारत बने, ऐसे जनप्रतिनिधि आएंगे तब बनेगा, ऐसा कह रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब। और ये क्या कह रहे हैं गोविंद राम जी, एक लास्ट में संकल्प अभी आपको मैनिफेस्टो का आगे उसमें तो हम इस बार का जो संकल्प पत्र बनाएंगे उसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेंगे आउटरीच, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से सुझाव लेंगे, इवन हम तहसील स्तर पर भी जाएंगे और ऑनलाइन भी सुझाव लेंगे, हम मीडिया से भी सुझाव लेंगे। राजस्थान कैसा होना चाहिए,